मैं पुष्कर का नाग पहाड़ हूँ और नाग पहाड़ पुष्कर से लूनी नदी का उद्गम होता है। मैं लूनी नदी हूँ जो पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी हूँ। मेरा उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ से होता है और मैं नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों में से होती हुई गुजरात में प्रवेश करती हूँ और वहाँ कच्छ के रण में जाकर के समा जाती हूँ। इस प्रकार से मैं पश्चिमी राजस्थान की एक बड़ी नदी हूँ। आज से 40 वर्ष पहले तक मैं नियमित रूप से बहा करती थी। अभी वर्ष 2019 में, बहुत वर्षों बाद में, मैं फिर से इस तरह से बहने लगी। मेरा वेग और पानी का बहाव देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी बहुत खुश हुए। मेरा यह जो बहाव क्षेत्र है वो अजमेर के आगे कुछ गांवों का क्षेत्र है जो पीसांगन एरिया कहलाता है। यह पीसांगन का मेरा भराव क्षेत्र है जो पीसांगन बांध का क्षेत्र है। यह पीसांगन बांध के ऊपर से बहता हुआ पानी का मेरा बहुत सुंदर दृश्य है। यह दृश्य कई वर्षों बाद में, करीब 24 वर्षों बाद में देखने को मिला और इसे देख करके ग्रामीण यहाँ के बहुत ही खुश हुए। देखने वालों की भीड़ लगी। जब मैं गोविंदगढ़ क्षेत्र को पार करके नदी के सूखे क्षेत्र जहाँ से बजरी का उत्खनन लगातार होता रहता है उसमें भी बहने लगी, तो इस तरह गांव के लोग इकट्ठे होकर के मुझे देखने आने लगे और जगह जगह पर मेरा स्वागत करने लगे। गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि लगभग 24 वर्ष बाद में इस क्षेत्र में, जो गोविंदगढ़ के आगे कालनी और आलनियावास के गाँव का क्षेत्र है, उसमें मेरा आगमन हुआ। मेरे बहाव क्षेत्र में इतने बड़े बड़े बजरी उत्खनन के कारण खड्डे हो गए जिनको भरने में बहुत वक्त लगा और मेरा बहाव कम होता गया, लेकिन फिर भी इस बार 2019 में मैं आलनियावास के लोगों को खुशी देने में सफल रही और यहाँ मेरा पानी का